आपके मकान में आपने बाथरूम में टॉयलेट लगाना, टॉयलेट वन पीस लगाना चाहते हो, अगर टॉयलेट वन पीस लगाना चाहते हो तो कौन सा लगाना चाहते हो, वालंक लगाना चाहते हो, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन या वन पीस? तो आज आपको मैं एंग्लो इंडियन की जानकारी दूंगा। एंग्लो इंडियन किस प्रकार का होता है, कैसे लगता है, क्या क्या काम करता है, उसकी लुकिंग क्या रहेगी उसके बारे में बताऊंगा, उसकी फिटिंग, उसकी एसेसरी बताऊंगा, कौन सी रहती, कैसी रहती, कंफर्टेबल में कैसा रहता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, एंग्लो इंडियन की जो क्वालिटी, साइज और जो डिजाइन रहती है वो इस प्रकार की एंग्लो इंडियन की शीट रहती है, देख सकते हैं आप। ये एंग्लो इंडियन जो देख रहे हैं आप, ये सोमानी ब्रांड का एंग्लो इंडियन है, रेगुलर ब्रांड भी इसमें रहती है। ब्रांड और नॉन ब्रांड में रेट वाइज फर्क रहता है, ये सोमानी का इसलिए रेट वाइज हल्का कॉस्टली है, 2000 रुपये की रेंज का है एंग्लो। रेगुलर में अगर आप लेने जाओगे तो 1000 से 800 रुपये की रेंज में आपको एंग्लो इंडियन मिल जाएगा। तो ये सोमानी का ब्रांड है इसीलिए ये थोड़ा रेट वाइज महंगा है। इसकी फिटिंग में आपको बता देता हूँ, फ्लोर से एक जैसा भी आप लगा रहे हो बाथरूम में तो उसका फ्लोर की कोई समस्या फिट करने में उतनी कोई समस्या आती नहीं है। वायर निकला हुआ, पाइप निकला हुआ रहता है तो उसके ऊपर उसको रबर लगा के लगा दिया जाता है, ज़्यादा कोई मुसीबत को समस्या आने वाली नहीं है। रही बात इसको 2-in-1 पे अपन बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर दोनों प्रकार से कार्य करता है। इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं तो अलग प्रकार से काम करेगा, ढक्कन हटा देते हैं ओपन, ये अलग प्रकार से काम करेगा। ढक्कन की बात करें तो ढक्कन भी मैं आपको सोमानी के बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ये सोमानी का एंग्लो इंडियन का ढक्कन अलग अलग आते हैं, यूरोपियन भी आता है, वन पीस भी आते हैं, सबके अलग अलग आते हैं। उसमें हाइड्रोलिक आते हैं लेकिन एंग्लो में आपको हाइड्रोलिक नहीं मिलेगा, एंग्लो में आपको इस प्रकार के रेगुलर ही ढक्कन मिलेगा। ढक्कन की बात करें तो इसको फिटिंग करने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करें फिटिंग। आप जब भी लगाते हो तो ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी उस ढक्कन को ही तोड़ दें, तो इस प्रकार से इस गुटके को अपन लगा कर फिटिंग कर सकते हैं। आप इस एंग्लो इंडियन ढक्कन की आप फिटिंग देख सकते हो किस प्रकार से फिटिंग करते हैं। आप ध्यान रहे, आप फिटिंग करते समय एसेसरी टूट न जाए क्योंकि एसेसरी वापस ब्रांड की मिलती बहुत कम है, अगर मिलेगी तो आपको पूरा ढक्कन वापस लेना पड़ेगा, इसलिए सावधानी बरतें। देख सकते हैं आप, वन पीस का अगर आप सीट कवर लगाओगे तो उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है, जो मेरे एक वीडियो में मैंने बना रखा है वो कैसे फिट करते हैं देख सकते हैं आप इसका, और उसका सिस्टम में थोड़ा अलग अलग सेटिंग करने का है। टाइट लगा देने का नीचे से, उसी प्रकार इस साइड के बोल्ट को भी आपको इसी प्रकार लगा देना चाहिए। ढक्कन की बात करें तो 350 रुपये की रेंज में भी ढक्कन मिलेगा, 700 रुपये की रेंज में भी आपको ढक्कन आसानी से किसी मार्केट में आप अवेलेबल मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप सोमानी का, ये सोमानी ब्रांड लिखी हुई है सोमानी। तो इस प्रकार करेंगे तो अपन अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, इसको ढक्कन लगाकर अपन अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे लगाकर अपन इस प्रकार से बैठ सकते हैं देख सकते हैं। इसको अपन पैरों तले अगर बैठना है तो अपन को इसको ढक्कन को उठाना पड़ेगा, और अपन ऐसे भी पैर से अपन बैठ सकते हैं, इसलिए उसको 2-in-1 बोलते हैं अपन। इसको फ्लैश कैसे करते हैं, अगर आपकी टाकी अगर छत पे है, दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल पे है, तो आप देख सकते हैं इधर से फ्लश को के लिए पानी के लिए एक पॉइंट है ये। अगर आपकी टाकी हाइट पे है, प्रेशर आ रहा है, अगर आप प्रेशर पंप लगा रखा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन ले सकते हो। अगर फर्स्ट फ्लोर है और प्रेशर पानी का नहीं आता है तो आपको पानी का टैंक लगाना होगा। टैंक आप सोमानी का लगाएं, प्लास्टो लगाएं, अच्छी ब्रांड लगाएं, जिसे अपन ने एंग्लो इंडियन सोमानी का लिया है तो इसका मैचिंग ही अपन लेंगे सोमानी का। रेंज में 1000 रुपये से
1200 रुपये की रेंज में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये एंग्लो इंडियन के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको वालंग, वन पीस, ईडब्ल्यूसी या अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब बॉक्स में कमेंट करें, मुझसे संपर्क करें, मैं चाहूँगा आपको वो जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊँ। वंदे मातरम।